लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता ने हमारे समर्थन में मतदान किया है। आज परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं वो आज शाम को आप खुद ही कहेंगे कि सारे एग्जिट पोल झूठे और असत्य थे। ये केवल जो है कुछ दो पूंजीपति अडानी और अंबानी को उसका लाभ कराने के लिए, शेयर मार्केट में उछाल के लिए और जो है टोल टैक्स में वृद्धि करने की क्या आवश्यकता है 5%, अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में कल 5% टोल टैक्स बढ़ाने का काम किया गया है। उन्हें मालूम हो गया भाजपा को कि उनकी सरकार जा रही है। अगर उनकी सरकार कल रहने वाली होती तो वो टोल टैक्स में 5% की वृद्धि कल नहीं करते। जनता ने परिवर्तन कर दिया है, बदलाव कर दिया है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि ईवीएम से डर नहीं लगता, डीएम से डर लगता। जी, ईवीएम मशीन की हम लोग लगातार आशा करने का काम कर रहे हैं और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गृह मंत्री सारे डीएम को हड़का रहे हैं कि कैसे भी करके तुमको चुनाव जिताने का काम करना है। इसका मतलब जो है हम लोगों ने रक्षा करने का यहाँ पर काम किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि जनता का जो वोट इसको मिला है उसी के पक्ष में काउंटिंग हो और अगर जनता के वोट के एक वोट को भी हम लूटने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ पे आपके कार्यकर्ता लगातार डटे रहे जब तक ईवीएम यहाँ पे रही, क्या लगा, किस तरह की 20 मई लगातार हम लोग यहाँ पर ईवीएम की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। दिन रात यहाँ पर रक्षा हुई है और हम लोगों ने लड़ करके यहाँ पर स्क्रीन भी लगवाई है और 9 कमरों की स्क्रीन में फोटो भी आती रही है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि लखनऊ शहर में आज निष्पक्ष रूप से मतगणना होगी। कितने वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 1.5 लाख वोटों से।